सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज बिहार टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैसी। भदोही जिले के हर इलाके की खबरों को देखने के लिए आप चैनल पर चलने वाली खबरों को अंत तक देखें। आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं आज के इस अहम खबर से। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग छतवी के समीप ओवरटेक के चक्कर में एक के बाद एक तीन वाहन आपस में टकरा गए। हाईवे पर हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई। हादसे में एक चालक की मौत हुई है। बताया जाता है कि कानपुर से चालक प्रमोद कुमार कुशवाहा एक टाटा मैजिक लेकर रेणुकोट जा रहा था। छतवी के पास ट्रेलर से ओवरटेक कर निकलने का प्रयास करने लगा, तभी ट्रेलर से टकरा गया। टक्कर होते ही पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कंटेनर ने भी टाटा मैजिक में टक्कर मार दी, जिससे टाटा मैजिक के चालक प्रमोद कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर भुवनेश्वर पांडे व गोपीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। हादसे से यातायात पर भी प्रभाव पड़ा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरौना थाना इलाके के दस्युपुर मल्लाह बस्ती से चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है, जहां मकान के सामने मौजूद पेड़ पर एक चोर बैठकर निगरानी करता रहा और उसके साथियों ने पूरे घर को खंगाल दिया। बताया जाता है कि मल्लाह बस्ती निवासी अमरावती देवी के दो पुत्र डब्लू व रवि शंकर बाहर रहते हैं। अमरावती देवी घर पर अकेले ही रहती हैं। शनिवार की रात रस्सी के सहारे मकान के पीछे से छत पर चढ़े चोर आंगन में उतरे, जबकि चोरों का एक साथी बाहर नीम के पेड़ पर बैठकर निगरानी करता रहा। अमरावती देवी के मुताबिक घर में रखे जेवर, 5 किलो देसी घी, पीतल तांबा बर्तन सहित कीमती सामान उठा ले गए। अमरावती के मुताबिक उसके घर में लगभग 15 किलो 10 का सिक्का भी मौजूद था, जो चोर उठा ले गए हैं। 5 बक्सों का ताला तोड़कर चोरों ने सामानों पर हाथ साफ किया है। उधर थाना अध्यक्ष कोरौना जय प्रकाश यादव ने बताया कि इस मामले में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ज्ञानपुर तहसील पर तैनात राजस्व निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद पर आरोपों का दायरा बढ़ता जा रहा है। भदोही तहसील में तैनाती के दौरान सुर्खियों में रहने वाले इस कानूनगो की अब चर्चा ज्ञानपुर में भी शुरू हो गई है। ज्ञानपुर के ही सामाजिक कार्यकर्ता जमालुद्दीन उर्फ टीपू ने मुख्यमंत्री के शिकायती पोर्टल पर एक पत्र भेजते हुए राजस्व निरीक्षक जितेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार व अवैध वसूली कर अकूत संपत्ति बनाए जाने का आरोप लगाया है और पत्र भेजते हुए जांच कराए जाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप की पहले हकीकत इनके ही जुबानी सुनिए। कानीगो जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इन लोगों को कई बार मैंने कागज दिया, डीएम के आदेश भी हुआ। इन लोगों ने गलत तरीके से भू माफिया से मिलजुल कर इन्हीं ने आज तक सही कार्य नहीं किए और मैं मवेशिया खाना गौशाला तालाब के लिए कई बार देते चले गए। इन लोग पैसा भू माफियाओं से ले लेकर मिली भगत से कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इन लोगों को प्रॉपर्टी की जांच किया जाए, इनकी तनख्वाह कितनी है, इन लोगों के पास कितनी पूंजियां है, कितनी बैंक में, कौन कौन सी बैंक में इन लोगों ने खाता खुलवा रखा है। मैं श्रीमान जी से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी दंडित किया जाए। सीएम पोर्टल पर शिकायत करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जमालुद्दीन उर्फ टीपू का आरोप है कि उन्होंने नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके के तालाब, गढ़ही, गौशाला, कब्रिस्तान सहित सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर जांच टीम पहुंची थी, जिसमें राजस्व निरीक्षक जितेंद्र श्रीवास्तव व हल्का लेखपाल शामिल थे। आरोप है कि कानूनगो ने भूमाफियाओं से भारी भरकम रकम लेकर मामले को दबा दिया। शिकायती पत्र भेजते हुए समाज सेवी ने आरोप लगाया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अवैध वसूली की कमाई से अकूत संपत्ति बनाई गई है। अपने संपत्ति का ब्यौरा भी राजस्व निरीक्षक ने नहीं दिया है। पत्र भेजते हुए मामले की जांच कराकर राजस्व निरीक्षक को निलंबित करते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। उधर राजस्व निरीक्षक का कहना है कि यह आरोप निराधार है।
रात का खाना खाकर चहलकदमी करने निकला युवक मालगाड़ी की जद में आ गया। अस्पताल लाने के बाद उसकी मौत हो गई। मामला गोपीगंज रोड रेलवे स्टेशन के अनापुर रेलवे क्रॉसिंग का है। बताया जाता है कि अनापुर से सटे झम्मनपुर गांव निवासी ननकू यादव का 32 वर्षीय पुत्र कन्हैया रात खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकला था। टहलते टहलते अनापुर रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंच गया, तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक मालगाड़ी की जद में आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, आनन फानन में सीएससी गोपीगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उधर रेलवे पुलिस भी पहुंच गई थी, जहां मौत होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कन्हैया पेंटिंग का काम करता था, परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। भदोही जिले के सीडीओ साहब, आप एसी के कमरों से बाहर निकलिए और जिले के ग्रामीण इलाकों के हकीकत पर नजरे इनायत करिए। इस तरह का दर्द भदोही जिले के अधिकतर विकास खंडों में आधे अधूरे पड़े सुलभ शौचालयों का है। आखिर इस लापरवाही पर आपकी नजरें कब इनायत होंगी? सीडीओ साहब, अब इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर है अभोली विकास खंड के ग्राम सभा बीरमपुर के सुलभ शौचालय की। निर्माण शुरू होने के एक साल बाद भी आज तक सुलभ शौचालय आधा अधूरा पड़ा हुआ है। बीरमपुर ब्राह्मण बस्ती के सरकारी स्कूल के सामने यह शौचालय एक साल बाद भी आधा अधूरा पड़ा है। बीरमपुर गाँव के अभय शुक्ला, वैभव शुक्ला, आकाश शुक्ला बैरागी का कहना है कि शौचालय में आज भी काफी काम बाकी है। दरवाजा नहीं लगाया गया है, टंकी नहीं बैठी है, जिसकी वजह से लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सुलभ शौचालय के नाम पर आए धन में हेरा फेरी का आरोप लगाया है। सत्यम न्यूज के खबर से बनवासी समाज के पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। डीएम के निर्देश पर पहुंची राजस्व टीम ने बनवासी समाज के पट्टे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर पट्टा धारकों को कब्जा दिलाया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है भदोही विकास खंड के भदोही तहसील अंतर्गत भिखारी रामपुर गांव का, जहां बनवासी समाज के लोगों को मिले पट्टे की भूमि पर गाँव के ही कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसकी शिकायत लेकर बस्ती के केवला रेखा मोना शांति ने डीएम से गुहार लगाई थी। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। खबर का असर यह हुआ कि रविवार को नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, हल्का लेखपाल राहुल सुमन, रंजीत यादव, रजनीश बघेल, कानूनगो अशोक दुबे सूर्यामा पुलिस के साथ पहुंचकर पट्टे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटवाकर पट्टा धारक बनवासी समाज के लोगों को भूमि पर कब्जा दिलाया गया। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। कोयरौना थाना इलाके के गोलखरा निवासी भोलाना सरोज ने डीएम को एक पत्र देते हुए इलाके के एक सूदखोर पर आभूषण हड़पने का आरोप लगाया है। कहा कि जरूरत पर उसने अपने परिवार के जेवरात इलाके के ही एक सूदखोरी का काम करने वाले आभूषण व्यवसायी के यहां गिरवी पर रखा था। जेवर गिरवी रखकर सूदखोर से 50,000 रुपया लिया था, लेकिन अब 50,000 रुपये के बदले 90,000 रुपये की मांग की जा रही है। भोलाना सरोज का आरोप है कि सूदखोरी का काम करने वाले आभूषण कारोबारी उसका जेवर हड़पने के फिराक में है। शिकायती पत्र देते हुए मामले की जांच करवाए जाने की मांग की है। कहा कि सूदखोरी के धन से इलाके का सूदखोर अकूत संपत्ति का मालिक बना बैठा है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग चकपड़ौना अंडरपास के समीप एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी एक बस व कंटेनर में टक्कर हो गई है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसा आधी रात के बाद हुआ है। यात्रियों की चीख पुकार से आसपास के लोग सड़क पर आ गए थे और सभी यात्रियों को बस से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। बताया जाता है कि शनिवार की देर रात यात्रियों से भरी एक बस प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही थी। जैसे ही चकपड़ौना अंडरपास के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रही एक कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद चीख पुकार शुरू हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी। इस हादसे में दोनों वाहनों के चालक खलासी सहित कुल 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों में कपिल परमेश्वर, अनिल सिंह, शुभम मिश्रा, ज्वाला प्रसाद चौहान, पूजा, शुभम मिश्रा को चोटें आई हैं। सीएससी गोपीगंज में प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया था।
राष्ट्रीय राजमार्ग गोपीगंज नगर के चौराहे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने किशोर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि गोपीगंज नगर निवासी मोहम्मद फिरोज का 14 वर्षीय पुत्र रिहान पुलिस चौकी के बगल जामा मस्जिद के गली में अपने किराने की दुकान पर जा रहा था, तभी सड़क पार करते समय जंगीगंज से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो की चपेट में आ गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए किशोर को CSC गोपीगंज लाया गया था। उधर धक्का मारकर भाग रहे बोलेरो को चौराहे पर तैनात पुलिस के जवानों ने पकड़ लिया था। ज्ञानपुर विकासखंड के ग्राम सभा देवाजितपुर में कराए गए कार्यों की शिकायत के बाद जांच टीम पहुंची थी। जांच टीम के सामने ग्राम सभा में मौजूद खामियों की एक एक परत खुलने लगी। ग्राम सभा में कराए गए विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए आवराई ब्लॉक के सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर शीतला प्रसाद टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि कार्यों व लेखा जोखा में भारी खामियां मिली हैं। मनरेगा के तहत कराए गए विकास कार्यों का बोर्ड नहीं लगाया गया था। PM आवास लाभार्थियों के आवास पर लाभार्थी का नाम व योजना का नाम अंकित होना अनिवार्य है, जबकि ऐसा कुछ नहीं पाया गया। जांच में 3 मनरेगा मजदूर ऐसे मिले जिनके 2-2 जॉब कार्ड बनवाए गए थे। कहा कि जांच में कुछ ऐसे आवास पाए गए हैं जिन्हें कागजों पर तो पूर्ण दिखा दिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य अब भी आधे अधूरे हैं। कहा कि जांच रिपोर्ट DM को सौंपी जाएगी। इस संबंध में ग्राम प्रधान कृष्णकांत उपाध्याय ने कहा कि यह सब काम पिछले ग्राम प्रधान के कार्यकाल का है। हालांकि समझा जा रहा है कि DM को रिपोर्ट देने के बाद इस लापरवाही पर ग्राम प्रधान पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। घोसिया नगर पंचायत का वार्ड नंबर 3 दलित मोहल्ला उपेक्षा का शिकार है। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के चलते घोसिया का यह दलित मोहल्ला गंदगी से बजबजा रहा है। मोहल्ले के शंकर, बाबूलाल, बरसाती, रमेश, विनोद, अजय कुमार का कहना है कि इस वार्ड में कभी भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं। नालियां पूरी तरह गंदगी से बजबजा रही हैं। गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, कूड़े का ढेर बदबू फैला रहा है। दलित बस्ती के लोगों का कहना है कि यहाँ के चेयरमैन व सभासद दोनों अल्पसंख्यक हैं, जबकि इस मोहल्ले के अधिकतर मतदाता भाजपा समर्थक हैं। यही वजह है कि जानबूझकर इस दलित मोहल्ले में सफाई नहीं कराई जा रही है और न ही सफाई कर्मी इस मोहल्ले में झांकने आते हैं। मोहल्ले वासियों ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। सुरियामा विकासखंड के ग्राम सभा सराय भाव सिंह के छनौरा अभोली मार्ग पर लगा हैंडपंप पिछले एक साल से खराब पड़ा हुआ है। खराब पड़ा यह हैंडपंप इलाके वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस मार्ग से अभोली, छनौरा, सराय भाव सिंह, इकौनी, बिहियापुर जैसे इलाके के लोगों का आना जाना होता है। हैंडपंप के समीप एक इंटर कॉलेज भी है, जहां आते जाते राहगीरों के साथ छात्र भी अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन लापरवाही के चलते एक साल से यह हैंडपंप बंद पड़ा है। इलाके के ओम प्रकाश बिंद, सचिन प्रकाश बिंद, रामधनी गुप्ता का कहना है कि कई बार क्षेत्र के ग्राम प्रधान से हैंडपंप बनवाए जाने की गुहार लगाई गई, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला। क्षेत्रवासियों ने खंड विकास अधिकारी सुरियामा का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खराब पड़े हैंडपंप को बनवाए जाने की मांग की है। रेस्टोरेंट में शराब पीने से मना करने पर कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट संचालक की जमकर पिटाई कर दी। मामला गोपीगंज नगर के पड़ाव के पास का है, जहां चहरपुर निवासी राणा प्रताप सिंह ने गोपीगंज कोतवाली में NCR दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोग रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीने लगे। मना करने पर धमकी दी और चले गए। थोड़ी देर बाद लाठी डंडे से लैस होकर कुछ दबंग पहुंचे और उनकी पिटाई कर दी, जिससे राणा प्रताप सिंह के सिर और हाथ में चोटें आई हैं। रेस्टोरेंट संचालक राणा प्रताप सिंह की तहरीर पर पुलिस ने होलपुर निवासी सानू सिंह, जुगिनका निवासी प्रशांत सिंह व सुमित सिंह के खिलाफ धारा 323-504 के तहत NCR दर्ज कराया है। कोइरवना क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार थमता नजर नहीं आ रहा है। DM SP के सख्त निर्देश के बावजूद भी इलाके में खनन माफिया बेखौफ हैं। खनन माफिया क्षेत्रीय पुलिस से यारी कर बेखौफ अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है कि कोइरवना इलाके के तटवर्ती क्षेत्रों में अवैध मिट्टी के साथ साथ अवैध बालू खनन का भी कारोबार
फल फूल रहा है। सूत्रों के मुताबिक रविवार को अवैध खनन में लगे कुछ ट्रैक्टरों को पकड़ा गया था, लेकिन साठगांठ के चलते पकड़े गए ट्रैक्टर को कुछ ही घंटों बाद छोड़ दिया गया, जो इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। रविवार को लालानगर टोल प्लाजा पर तैनात एक कर्मी से कार चालक बदसलूकी पर उतर आया और कार चालक ने टोल कर्मी के साथ गाली गलौज की और काफी देर तक हंगामा करता रहा। बताया जाता है कि कावड़ यात्रा को लेकर हाईवे का उत्तरी लेन सुरक्षित होने से दक्षिणी लेन पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते लालानगर टोल प्लाजा पर भीषण जाम लग रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही यह है कि टोल प्लाजा पर कोई भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं किया गया है। जाम के चलते वाहन चालक टोल कर्मियों से बदसलूकी कर रहे हैं। टोल कर्मियों को आशंका है कि कभी भी टोल प्लाजा पर बड़ा हादसा हो सकता है। टोल कर्मियों ने टोल प्लाजा पर सावन माह तक पुलिस की तैनाती किए जाने की मांग की है। अमृत महोत्सव के तहत एनएचआई के अधिकारियों ने रविवार को लालानगर टोल प्लाजा पर पौधरोपण किया और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। पौधरोपण करते हुए एनएचआई के अधिकारियों ने कहा कि अमृत महोत्सव के तहत विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौधरोपण अभियान चला रहा है। इस मौके पर एके मौर्य, शुभम सिंह, दीपक, वीरेंद्र कुशवाहा आदि मौजूद रहे। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। आप अपने इलाके क्षेत्र की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप द्वारा बताई गई खबरें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। हम उस खबर को बेबाकी से दिखाएंगे और शासन सत्ता में बैठे लोगों को पहुंचाएंगे। फिलहाल अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।